संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें कल वो लखनऊ पहुंचे थे और कल ही मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके प्रदेश में निवेश की स्थिति और उसी के साथ साथ कानून व्यवस्था में किस तरीके से सुधार हुआ है इस पर लेकर चर्चा करी। आज से संघ की वो तमाम बैठकें शुरू होंगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि संघ की जो विस्तार की योजनाएं हैं उनके प्रचारकों के साथ साथ प्रांत कारिणी का साथ किस तरीके की बैठक होनी है। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इसी स्थल पर बैठक करेंगे। निराला नगर में ये सरस्वती कुंज बनाया गया, जिसमें तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और ये बताया जा रहा है कि शताब्दी समारोह को लेकर भी संघ की योजना है कि प्रदेश के सभी गांव में पहुंचा जाए और वहां पर एक अपनी जो योजना है उसको तैयार किया जाए। और इसी के साथ साथ संघ का इस बार का जो फोकस है वो दलितों पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा और इसको लेकर महिलाओं को लेकर भी एक समन्वय जो एक सम्मेलन है वो स्थापित किया जाएगा। दलितों के बीच में किस तरीके से पहुंचा जाए, गांव-गांव तक पहुंचने की जो योजना है वो संघ बना रहा है, इसको लेकर एक शौर्य समारोह भी आयोजित किया जाएगा जो सितंबर से लेके अक्टूबर माह में चलाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय सभी लोगों को वहां पर किस तरीके से पहुंचना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले संघ इस पूरे प्रदेश के माहौल को राममय बनाना चाहता है और बताना चाहता है कि हिंदुत्व को लेकर संघ किस तरीके से आगे चल रहा है और सभी लोगों को किस तरीके से इससे जुड़ना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।